Hello and welcome to Learning and Education, Space and Fasil. Students, today we're going to do the next topic, and that is Battle of Uhud. Last time we discussed Battle of Badr. Today we are doing our 16th video in Prophet ﷺ's life, and this is basically our fourth video about life in Medina. So let's start right away. The question appeared in May-June 2009 in our variant 2. And the question is, describe the events of two of the battles fought by the Prophet ﷺ while he was leader of the community in Medina. So last time we discussed Battle of Badr. Today we're going to discuss Battle of Uhud here. Similar question in which they have asked about, specifically about Battle of Uhud, appeared in May-June 2017 in Variant 1 and October-November 2015 in Variant 1. So today we're going to discuss only the Battle of Uhud, since we have already done Battle of Badr in a previous video. So let's start. Marking scheme, students need to expand on the following points and provide a detailed narrative of any two of the battles fought by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Right. So question kya hai? Question ye hai ki humne events batane hain koi si do battles ke jo Prophet sallallahu alaihi wasallam ne jinme like fight kiya जब वो लीडर थे कम्युनिटी के इन मदीना. इस रेफरेंस से हम लोगों ने लास्ट टाइम बैटल ऑफ बदर ऑलरेडी कर ली थी. टुडे आज हम करने लगे हैं बैटल ऑफ ओहद. अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपने दोनों बैटल्स को इक्वल कंटेंट जो है वो इसमें आपने देना होगा, ठीक है. इसलिए आपने बहुत ही डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपका नैरेटिव जो भी होगा वो डिटेल होगा, ठीक है. ज्यादा डिटेल्स नहीं आपने देनी, बिकॉज आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं होगी उसको लिखने की. सो लेट्स टॉक अबाउट द बैटल ऑफ उहुद. ओके, मैं ये बात कंसीडर कर रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी क्योंकि बैटल ऑफ बदर कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ बैटल ऑफ उहुद को डिस्कस करेंगे आज. सिंस हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जो है वो बैटल ऑफ बदर के ऊपर बैटल ऑफ उहुद को पिक किया. हाँ, जो क्वेश्चन अबाउट बैटल ऑफ उहुद स्पेसिफिकली आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, वो वेरिएंट 1 में आया हुआ है. ये मैंने यहां मेंशन कर दिए दोनों टाइम्स, जहां जब ये क्वेश्चन आया था मई जून 2017 में आया था और अक्टूबर नवंबर 2015 में आया था, जिसमें उन्होंने इवेंट्स के बारे में पूछा है बैटल ऑफ उहुद के, ठीक है. अब आपने करना क्या है, आपने ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पे दिए हैं, डिटेल्ड मार्किंग स्कीम है ये जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है. इवन इन आवर प्रीवियस वीडियोस, जितने भी हम लोगों ने वीडियोस किए हैं, सब में जितने भी मैंने मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की हैं, वो काफी हद तक कंपैरेटिवली डिटेल्ड मार्किंग स्कीम्स हैं, लाइक जो कि नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इन 3 आफ्टर हिजरी, कुरैश डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑफ देयर डिफीट एट बदर, एंड सो रेज्ड एन आर्मी ऑफ 3000 मेन with 200 horses and 300 camels and marched towards the Uhud hill in the north of Medina. Last time मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो जो numbers होते हैं, specifically अगर हम battles की बात करते हैं, तो ये numbers को mention करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. जिस तरह से Uhud hill जो कि north of Medina में है, ठीक है, जो आर्मी उन्होंने रेस की थी कुरैश ने, वो 3000 मेन थे, उनके पास 200 हॉर्सेस थे, 300 कैमल्स थे, ठीक है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर कंसल्टेशन विद हिज कंपेनियंस केम आउट ऑफ मदीना विद 1000 मेन एंड मार्च टुवर्ड्स द उहुद हिल. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक आदत थी, सुनना है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो हमेशा कंसल्टेशन करते थे अपने कंपेनियंस से. किसी भी किस्म के कोई क्रिटिकल इश्यूज होते थे, कोई प्रॉब्लम होते थे, तो वो हमेशा अपने कंपेनियंस को कंसल्ट करते थे. तो ये सुनना है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. अच्छा, इसमें हुआ ही था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसल्ट किया था कंपेनियंस ने, फाइनली जो मेजॉरिटी का ओपिनियन था वो ये था कि हम मदीना से बाहर जाकर एनिमी के अगेंस्ट लड़ेंगे. तो वैसे ही किया, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 लोगों के साथ, सोल्जर्स के साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मदीना से बाहर आके मार्च करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द उहुद हिल. अब्दुल्ला बिन उबई द हिप्पोक्राइट चीफ डिजर्टेड द मुस्लिम आर्मी विद हिज 300 मेन विद एन एक्सक्यूज दैट देयर हाउसेस आर अनसेफ बैक इन मदीना.
अब मुसलमानों के दौरान के दरमियान एक आदमी था अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिक था ये, हिपोक्राइट कहते हैं मुनाफिक को इंग्लिश में, उनका उनका सरदार था मुनाफिकों का, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन हिपोक्राइट चीफ, ठीक है। इसने जो है ना वो जो है वो मुस्लिम आर्मी को रस्ते में थोड़ा सा ही जो है अभी मूव करना स्टार्ट किया था, तो उसने कहा कि जी, उसने एक्सक्यूज दिया, बहाना बनाया कि जी हमारे तो घर जो है वो पीछे मदीना में बहुत ही जो अनसेफ है, तो हमें डर है अपने घरों के हवाले से, तो वो ये बहाना बनाकर वो 300 अपने बंदे लेकर वहां से मुस्लिम आर्मी को छोड़कर रास्ते में ही वापस चला गया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंप्ड विद हिज 700 ट्रूप्स ऑन द वेस्टर्न स्टूप ऑफ द ओहद हिल एंड पोस्टेड 50 आर्चर्स इन अ नैरो पास एट द बैक ऑफ द मुस्लिम आर्मी विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉट टू लीव द पास एंड यू हैव टू प्रोवाइड रेफरेंस ओवर हियर। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंप किया अपने 700 ट्रूप्स के साथ, वेस्टर्न स्लोप था जो ओहद हिल का, वहां पे कैंप किया। ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे कैंप किया, कितने लोगों को पोस्ट किया एज आर्चर्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना जहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम आर्मी कैंप हुई थी उनके बिल्कुल बैक पे एक नैरो सा पास था, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 आर्चर्स को वहां पोस्ट किया और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने यहाँ से किसी भी सूरत में यहाँ से हिलना नहीं है, आपने प्रोटेक्ट करना है इस पास को, क्योंकि वो एक डेंजर जोन था मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि वो के बैक साइड पे था और एक पास था जहां से जो है ना एनिमी जो है अटैक कर सकता था, इसलिए उनको खास तौर पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो वहां से नहीं हिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बैटल के हवाले से, जो आपने यू नीड टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेसिफिक बैटल ऑफ ओहद। आपको बहुत जरूरी पॉइंट ही आपने मेंशन करना है, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से ही सारी की सारी बैटल जो है वो चेंज हुई लाइक इन फेवर ऑफ द कुरैश, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये 50 आर्चर्स जिनको पोस्ट किया गया था एक नैरो पास में जो कि बैक साइड पे था मुस्लिम आर्मी जहाँ पे जो है वो पोस्टेड थी, ठीक है। यहाँ आपने रेफरेंस देना है जो कुरानिक रेफरेंस है, ठीक है, इसी इसी हवाले से। द बैटल बिगिन इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ वन टू वन कॉम्बैट एंड टू कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नीड टू मेंशन नेम्स ओवर हियर, killed two opponent from the Meccan army. Last time हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एक ट्रेडिशन थी, एक रवाज था अरेबिया में बैटल्स के अंदर, ठीक है, और वो ये एक स्टाइल था उनका कि वो स्टार्ट करते थे वन टू वन कॉम्बैट से और उसके बाद जनरल फाइट स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो इसी उसी उसी में दो कंपेनियंस थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने वन टू वन कॉम्बैट में अपने ओपोनेंट्स को मारा, ठीक है। उनके नाम अपने यहाँ पे मेंशन करने, नाम जो की फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं ना उनके नाम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो इट इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट टू मेंशन दोस नेम्स ओवर हियर। देन द जनरल फाइट बिगिन एंड मुस्लिम्स लॉन्च्ड अ फियर्स अटैक, मुस्लिम्स डोमिनेटेड द एनिमी एंड द मक्कन स्टार्टेड टू रिट्रीट व्हाइल मुस्लिम्स स्टार्टेड टू कलेक्ट द वॉर बूटी। अब यहाँ पे आके सारा का सारा मामला जो है वो बैटल के हवाले से चेंज होता है। जनरल फाइट स्टार्ट होती है, मुसलमान बहुत ही जबरदस्त किस्म का अटैक जो है वो लॉन्च करते हैं अपने अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट और डोमिनेट करते हैं और एनिमी को और उनको प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, वहां से मारते हुए वहां से निकालते हैं और इस तरह से मक्कंस जो है ना वो घबरा जाते हैं और वहां से जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। मुसलमान देखते हैं कि ऐसे मक्कंस भाग रहे हैं तो वो साथ ही वो जितनी उनकी वॉर बूटी होती है यानी कि जो जो सामान वो लेके आए हुए होते हैं मक्का अपने साथ, वो जाहिर है छोड़ के सामान भागते हैं तो उस सामान को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं मुस्लिम्स। देख लेते हैं कि जाहिर है वो भाग रहे हैं वहां से बैटल फील्ड, तो ऑब्वियसली दुश्मन जब भाग रहे तो वो मुस्लिम जो है वो वॉर बूटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा बड़ा ये बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बैटल के का सीन चेंज होने वाला है। अच्छा, seeing this many of the archers 35 or 36 also left their positions to collect the war booty, reference to be quoted over here. अच्छा, ये archers होते हैं, मैंने last में बताया था कि अभी अभी जब हम लोग discuss कर रहे थे, हमने start किया था इस marking scheme को, तो archers posted थे जो ये जो pass था back side पे मुस्लिम के, ठीक है, narrow pass था, वहाँ archers posted थे जिनको instructions दी थी prophet sallallahu alaihi wasallam strictly
कि आपने यहां से नहीं हिलना किसी सूरत में, अनलेस आपको ऑर्डर ना किया जाए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर करें तो आपने वहां से हिलना। अच्छा, उन्होंने देखा कि ये मक्कन भाग रहे हैं और मुसलमान जो है वो अब वो वॉर ड्यूटी क्रैक कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा और उन्होंने अपनी पोजीशंस छोड़ दी। कुछ तकरीबन 35 से 36 आर्चर्स हैं आउट ऑफ 50 आर्चर्स अपनी जगह छोड़ दी और वो भी उन मुसलमानों में जाकर शामिल हो गए जो अब जो वॉर ड्यूटी जो है वो क्रैक कर रहे थे। अच्छा, हजरत खालिद बिन वलीद जिस तरह आनो अभी उस टाइम पे मुसलमान नहीं थे और मक्कन की साइड से लड़ रहे थे, उनके लीडर थे, ठीक है, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। अच्छा, इससे पहले ड्यूरिंग द बैटल उन्होंने दो तीन मरतबा आकर अटैक करने की कोशिश की लेकिन आर्चर्स ने उनको वहां से अटैक करने नहीं दिया था। अब उन्होंने देखा कि वो आर्चर्स ने अपनी पोजीशंस छोड़ दी हैं, उन्होंने नोटिस कर ली बात, तो इस तरह से उन्होंने अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया, क्विकली मोबिलाइज किया, ठीक है, ही क्विकली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद हु वाज फाइटिंग फ्रॉम द मक्कन साइड एंड वाज नॉट येट अ मुस्लिम Notice this movement of the archers. He quickly mobilized his troops and attacked the Muslims from the pass at their back. अब उन्होंने ये देखा कि archers ने अपनी जगह छोड़ दी, उन्होंने अपनी troops को इकट्ठा किया, जल्दी से उनको mobilize किया और वो back पर से उन्होंने मुसलमानों पर attack कर दिया। The whole scene was changed as Muslims were not ready for this sudden attack from the back. Many Muslims were killed and a rumor was spread about the Prophet sallallahu alaihi wasallam's martyrdom. Ab Musliman is achanak attack ke liye ready nahi the kyunki wo bhi busy the in collecting the war booty. To is tarah se ye jo attack hua back se ye bahut hi lethal sabit hua, bahut hi jo hai na wo sakht attack sabit hua. Musliman unke surprise the is attack par aur is tarah se bahut sare Muslimanon ko unhone mara. और इस तरह साथ साथ एक एक वो जो है ना एक एक रूमर फैल गई, ठीक है, एक अफवाह फैल गई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो शहीद हो गए हैं। इससे मुसलमान डिसहार्टन्ड द मुस्लिम्स, इससे मुसलमान बड़े डिसहार्टन्ड हो गए, ठीक है। अब उसमें जो है ना 70 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड व्हाइल 24 मक्कंस वर किल्ड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इंजर्ड एंड वाज टेकन टू अ नियर बाय केव फॉर सेफ्टी। अब ये तकरीबन 70 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हुए और कोई 20 से 24 के दरमियान मक्कन से वो मारे गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजर्ड हो गए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान मुबारक भी शहीद हो गया, मुंह पर जख्म भी आए और उनको जो है ना वो उनको इस हालत में ले जाया गया एक नियर बाय केव में सेफ्टी के लिए। मक्कंस विजिलेटेड द डेड बॉडीज ऑफ द मुस्लिम्स। Prophet sallallahu alaihi wasallam reorganized his troops, buried the bodies of their martyrs and returned to Medina. Makkans ne jo hai wo jo dead bodies thi Muslims ki unko mutilate kiya, theek hai, to yani ki mutilation hoti hai body ko, yani ki jo dead body ko jo kaatte hain cheerte hain jis bhi tarah se wo, obviously ye ek bahut hi ajeeb sa ek wo tarika tha us zamane mein, inhumane way tha bodies, dead bodies ko mutilate karne ka, unhone kiya. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आफ्टर रिकवरी जब रिकवर किया उन्होंने तो उन्होंने अपनी ट्रूप्स को रीऑर्गेनाइज किया और जो बॉडीज थी मार्टर्स की शहदा की उनको उनको दफनाया वहां पर और मदीना वापस चले गए। इस तरह से बैटल ऑफ ओहद जो कि मुसलमानों के लिए विक्ट्री थी वो एक जो है डिफीट में चेंज हो गई। दिस क्वेश्चन आल्सो हैज अ पार्ट बी, लेट्स सी व्हाट दैट इज। How does his conduct in one of these battles provide a model for Muslims today when they faced difficulty? सवाल क्या है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंडक्ट है, जिस तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बैटल्स को कंडक्ट किया, वो किस तरह से एक मॉडल के तौर पे मुसलमानों के लिए एक है, एक एक मॉडल के तौर पे मुसलमानों को किस तरह से हेल्प करता है जब भी वो किसी किस्म की डिफिकल्टी को फेस करते हैं, ठीक है, आज के दौर में। इसकी मार्किंग स्कीम आप समझ लें, मुस्लिम शुड कीप अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड लुक फॉर हेल्प टुवर्ड्स हिम जस्ट लाइक द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु प्रेड फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड बिफोर द बैटल ऑफ बदर एज ऑल द सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज हेल्प। मुसलमानों को पहली बात तो इसमें बहुत ही अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए इन गॉड और हमेशा यू नो दे शुड लुक फॉर हेल्प टुवर्ड्स गॉड, ठीक है। जिस तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात पहले बैटल ऑफ बदर से दुआ मांगी अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की,
और इस तरह से मदद जो है वो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को पहुंचाई। ठीक है, तो मुसलमानों को क्योंकि ये भी मुसलमानों का यकीन है कि सारी की सारी कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है अल्लाह की मदद पे। ठीक है, तो ये मुसलमानों को एक तो ये फेथ अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और हेल्प के लिए हमेशा जो है वो देखना चाहिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में। सिमिलरली Prophet sallallahu alaihi wasallam consulted his companions before the battle of Uhud and decided to face the enemy outside Medina as per the advice of the majority of companions. So Prophet sallallahu alaihi wasallam ne battle of Uhud se pehle consultation ki thi apne companions se, aur us consultation ke andar ye decide kiya gaya tha, like majority of companions ne is baat ke bare mein decide kiya tha, ye kaha tha, advice di thi ki hame enemy ko enemy ke against fight karni hai outside Medina. तो इसको एडवाइस को फॉलो किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, सो मुस्लिम्स लीडर्स शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एंड शुड कंसल्ट देयर ऑफिशियल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल मैटर्स। तो मुसलमानों को चाहिए, जो लीडर्स हैं खास तौर पर, चाहिए कि वो इससे एक लेसन सीखें और अपने ऑफिशियल्स से और इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं उनसे कंसल्ट करें। किसी भी किस्म के कोई नेशनल मैटर्स आते हैं, कौमी सलामती के इश्यूज आते हैं, कोई और मसले आते हैं, नेशनल मैटर्स आते हैं, उसमें इनको चाहिए कि वो हमेशा कंसल्टेशन से काम लें और कभी भी इंडिविजुअल अपने डिसीजन के ऊपर जो है ना रिलाय ना करें। मुस्लिम्स इन जनरल शुड आल्सो अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ कंसल्टेशन बिफोर डिसाइडिंग एनी क्रिटिकल मैटर्स इन देयर डेली लाइफ एंड कीप अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड सेल्फ इन देयर डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, तो और मुसलमानों को जनरली भी आमतौर पर भी मुसलमानों को चाहिए कि वो अडॉप्ट करें पॉलिसी कंसल्टेशन की, मशवरे की पॉलिसी को अडॉप्ट करें और हमेशा जो है ना अपने कंपेनियन से मशवरा लें। किसी भी किस्म का क्रिटिकल मैटर आता है उनके लाइफ के अंदर, कोई मुश्किल हालात आते हैं लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि वो अपने कंपेनियन से जो है कंसल्टेशन करें और यू नो हमेशा यू नो दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड सेल्फ, हमेशा अल्लाह की तरफ से मदद पे स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए मुसलमानों को इनके डिफिकल्ट टाइम्स पे। तो यहाँ पे आप कोई रेफरेंस कोट कर सकते हैं जिसमें यू कैन टेल अबाउट गॉड सेल्फ। ठीक है, so that's pretty much all about today's lesson. If you got any questions about today's lesson or any of the previous lessons we've done so far on this channel, you know, learning and education, space and tussle, please feel free to ask your questions. I'll be more than happy to get back to that. So I'm going to be talking to you in the next class. Then take care of yourself. Goodbye.